तो चलो अब न्यूमेरिकल देख लेते हैं। न्यूमेरिकल जेई 2013 का है। इसमें इन्होंने कहा एक बेलन का व्यास एक वर्नियर कैलिपर से जिसमें कोई शून्य त्रुटि नहीं है नापा जाता है। यह पाया जाता है, ध्यान से पढ़ो यहाँ, वर्नियर पैमाने का शून्य 5.10 सेंटीमीटर तथा 5.15 के बीच मुख्य पैमाने पर पाया जाता है। तो जब ये बेलन का व्यास निकाल रहे थे तो रीडिंग हमारी कुछ ऐसे आ गई, ये मुख्य पैमाना, ये वर्नियर पैमाना, ये 5.10 और 5.15 इन दो के बीच में। तो यहां से तुम्हें क्या पता चल रहा है, ये हमारे वर्नियर पैमाने की जीरो, इसका मतलब मुख्य पैमाने के एक भाग का मान कितना हुआ, इसमें से ये घटा दो। तो इन्होंने हमें दिया MSD है हमारा 0.05। JEE एडवांस का है, आपको कुछ भी डायरेक्ट नहीं मिलेगा। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो कर जाओगे, नहीं तो अटक जाओगे पहली लाइन में कि MSD का मान क्या है कि बीच मुख्य पैमाने पर पाया जाता है। वर्नियर पैमाने का 50/2.4 सेंटीमीटर के तुल्य है। अब इन्होंने कहा 50 भाग वर्नियर पैमाने के 2.45 सेंटीमीटर के तुल्य है, तो एक भाग कितने के होगा, 2.45/50, ठीक है। तो यहाँ आ गया 0.04, एक BSD हमारे बराबर है 0.049 सेंटीमीटर के। वर्नियर पैमाने का 24वां भाग मुख्य पैमाने के किसी भाग से ठीक संपाती है, तो बेलन का व्यास निकालिए। हमारा जो हम अब ये पूछ रहा है कि माप कितना है, बेलन का व्यास कितना है, तो पाठ्यांक निकालना है हमें, पाठ्यांक या कहते हैं सही माप, वो कितना होगा, क्या बताया था, MSR plus VSR, ठीक है। और कैसे निकालते थे MSR plus VSR को, कैसे निकालते थे, अल्पतमांक गुणा VSR, वर्नियर कैलिपर्स के मिलने वाले भागों की संख्या, कॉन्साइड VSR, ये क्या होता था हमारा वर्नियर पैमाने के मिलने वाले भागों की संख्या। अब चेक करते हैं MSR कितना है, MSR कैसे निकालते थे, जब हम कोई रीडिंग निकाल रहे थे हम देखते थे ये हमारा मुख्य पैमाना है, मान लो यहां तक हमारा व्यास आ रहा है ऐसे, ये हमारा वर्नियर पैमाना है, तो कुछ रीडिंग्स होती थी, तो वर्नियर पैमाने के जीरो से एग्जैक्ट पहले की रीडिंग जो होती थी वो हम ले लेते थे MSR। अब देखो यहाँ पर पढ़ो दोबारा से क्या दिया, यह पाया जाता है वर्नियर पैमाने का शून्य, वर्नियर पैमाने का शून्य मुख्य पैमाने के 5.10 तथा 5.15 के बीच में है। तो हमारी MS क्या हो गई, मुख्य पैमाने की रीडिंग क्या हो गई, 5.10 जो हम एग्जैक्ट पढ़ सकते हैं, उसके बाद का फिर हमें ये मान निकालना है, ठीक है। खत्म। तो हमारी MSR कितनी होगी, 5.10 प्लस अब हमें निकालनी है अल्पतमांक। अल्पतमांक कहां से निकलेगी, यहां से, कैसे निकालते थे अल्पतमांक, हमारी क्या होती थी 1 MSD - 1 VSD। MSD का मान कितना है, 0.05 माइनस VSD का मान कितना है, 0.049 सेंटीमीटर। निकालो कितना आएगा, 0.001 सेंटीमीटर। तो आई हमारी अल्पतमांक 0.001 सेंटीमीटर। अब वर्नियर पैमाने के मिलने वाले भागों की संख्या वो कहां दी हुई है, वर्नियर पैमाने का 24वां भाग मुख्य पैमाने के किसी भाग से मिलता है। जब हमने पढ़नी सिखाई थी रीडिंग तो क्या कहा था, हमें केवल वर्नियर पैमाने का देखना है कौन सा भाग मिल रहा है, इन्होंने कहा 24वां भाग मिल रहा है, 24 + 0.024
5.124 सेंटीमीटर। कौन सी रीडिंग सही है हमारी, है कहीं 5.124 सेंटीमीटर। तो हमारे बेलन का व्यास है 5.14 सेंटीमीटर आंसर। अगर वो इस क्वेश्चन में पूछ लेता बेलन की त्रिज्या बताओ, शुरू में बताया था वर्नियर कैलिपर से हम हमेशा व्यास निकालते हैं, तो जो ये आपका ये मान आता है ये व्यास का मान आता है। आंसर फिर आप कैसे करते, बटे दो, दो से भाग करके फिर आप बताते